हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नानी के गार्डन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी का पौधा हमें किस तरह से गमले के अंदर लगाना चाहिए जिससे वो अच्छी ग्रोथ करे। तो दोस्तों, मैंने एक गमला लिया है और उस गमले में मैंने डाली है मिट्टी और उसके अंदर मैं ये गोबर की खाद अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर लगाऊंगी अपना तुलसी का पौधा जो मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, जो ये मेरा देखिए तुलसी का पौधा है जो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, तो इसकी जो पन्नी लगी हुई है पहले हमें इसको अच्छी तरह से हटाना है, उसके बाद ही हमें इसको गमले के अंदर लगाना है। तो दोस्तों, मैंने ये जो इसमें पन्नी लगी हुई थी वो हटा दी है और अब मैं इसको गमले के अंदर लगाऊंगी। तो ये मैंने गमले में इस तरह से इसको लगा दिया है और इसको लगाने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो देखिए दोस्तों, मेरा तुलसी का पौधा गमले में लग के तैयार हो गया है और उसको इसके अंदर पानी डालने के बाद मैं इसको 2 दिन के लिए छाया में रखूंगी, क्योंकि जब हम पौधा लगाते हैं उसको एकदम से हमें धूप में नहीं रखना चाहिए, छाया में ही रखना चाहिए और 2 दिन के बाद इसको हम धूप में रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये तुलसी का पौधा गमले में लग के अच्छी तरह से तैयार हो गया है और अब आप देखिए कि 15 दिन बाद मेरी तुलसी कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी वही तुलसी है जो मैंने 15 दिन पहले लगाई थी और इसमें कितनी अच्छी तरह से ये ग्रोथ कर रही है और इसके अंदर मैं 1 महीने में वर्मी कंपोस्ट भी डालती हूँ। और दोस्तों, अगर आपके पौधे की पत्तियाँ मुड़ने लग जाती हैं और आपको उन पत्तियों पर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना चाहिए। एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करने से पौधे की पत्तियाँ मुड़ती नहीं हैं और पत्तियाँ काफ़ी ग्रीन लगने लगती हैं और पौधे की पत्तियाँ काफ़ी हेल्दी ग्रो करने लगती हैं। इसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लो और फिर उसका स्प्रे इन पत्तियों पर करना चाहिए। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं तो भी वह पीली होना बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।